वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं छोटी हैमर ड्रिल मशीन के बारे में। फ्रेंड, मेरे पास एक छोटी हैमर ड्रिल मशीन है जो है अपनी एक ही पॉइंट पे काम कर रही है, यानी कि फ्रेंड वो जो हैमरिंग का उसमें जो है काम नहीं कर पा रहे थे। किन कारणों से फ्रेंड जो है कि वो हैमर पर काम नहीं कर रहे था, या फ्रेंड जो है कि या फिर जो आपका जो हैमरिंग का जो स्विच होता है रिवर्स रिवर्स का, फिर अगर वो अटक जाता है तो आपको उससे किस प्रकार से फ्री कर सकते हैं, इन सभी के प्रॉब्लम के बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड तो फ्रेंड जो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहे, फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड ओके फ्रेंड, तो जो आज का वीडियो जो कि हम शुरू करते हैं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फ्रेंड अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करना। फ्रेंड ओके फ्रेंड, तो आज का वीडियो हम जो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास जो है कि न्यू ड्रिल मशीन है। फ्रेंड जो न्यू ड्रिल मशीन में फ्रेंड हमारे पास यही प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड जो इसका जो स्विच है फ्रेंड वो कहीं अटक गया और ना ही फ्रेंड ये इधर रिवर्स रिवर्स में काम कर रहा है। फ्रेंड सिर्फ एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, ना कि सिर्फ घूम रही है, ना हैमरिंग पे काम नहीं कर पा रही है। फ्रेंड तो फ्रेंड जो कि स्विच इसका दब नहीं रहा था, किन कारणों से फ्रेंड जो इसका स्विच नहीं दब रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि मैं इसे काफ़ी ताकत से प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद भी फ्रेंड जो है कि हमारा जो स्विच है वो अंदर के साइड नहीं जा पा रहा है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं फ्रेंड कि किस प्रकार से जो है कि इसके रिवर्स रिवर्स का जो स्विच है उसको हम फ्री कर सकते हैं, और किन कारण से जो है कि फ्रेंड जो है कि हमारी मशीन काम नहीं कर रही है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले जो है कि हम मशीन को खोल लेना है। खोलने के बाद में हल्का सा पेचकश की सहायता से ढक्कन को जब हम ऊपर की साइड उठा लेंगे, फ्रेंड फिर इसमें ज़्यादातर जो दिक्कतें आती है फिर वो जो है कि हमारा जो छर्रा इसमें रहता है, फ्रेंड अगर वो डिसमिस हो जाता है, यानी कि वो अपनी जगह से चेंज हो जाता है, तब दिक्कत आती है। फ्रेंड तो फिर हम इसमें देखने वाले हैं कि इसका छर्रा जो है कि सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो कि हम इसे खोल लेंगे यहाँ से, जिस पत्ती को फ्रेंड फ्रेंड जो कि ये पत्ती आप यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इस पत्ती के यहाँ नीचे में छर्रा जो होता है। फ्रेंड सबसे पहले जो कि हम पिलार की सहायता से फ्रेंड जो है कि हम इसे ऊपर के साइड खींच लेंगे, फिर उसके बाद में ही हमें पता लग पाएगा। फ्रेंड इसमें देख सकते हैं कि इसमें छर्रा जो है यहाँ पर नहीं है, यानी कि छर्रा इसका निकल चुका है। इसका छर्रा जो है कि फ्रेंड साइड में नीचे गिर चुका है। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड जो कि हमारा छर्रा जो है कि इसमें नीचे की साइड पड़ा हुआ है। फ्रेंड आपको इसको पूरी तरह से कैसे निकाल लेना है बाहर, जब निकाल लें यहाँ पर जो है कि हमारा वो छर्रा जो है बारीक वाला लगता है। फ्रेंड जो कि इसमें नीचे पड़ा हुआ, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फ्रेंड छर्रा जो है फ्रेंड हमारा घूमा नहीं है, वो यहीं पे इसमें वाइब्रेशन के अधिक कारण फ्रेंड जहाँ पे गिर चुका है। फ्रेंड आप देख सकते हैं जो हमारा छोटा जो बॉल है, इस बॉल को फ्रेंड हमें वापस से उसी जगह पे सेट करना होगा, तभी जाके हमारा जो कि स्विच है वो काम करेगा फ्रेंड, और हमारा जो मशीन है वो एकदम परफेक्टली जो है कि काम करने वाली। तो हमारे पास जो कि ये फ्रेंड इस प्रकार की एक बॉल है फ्रेंड, जो कि हमें इस बॉल को हमें उसी जगह पर असेंबल करना रहेगा। फ्रेंड फ्रेंड इसमें एक दिक्कत और आती है हमारी, जो कि अटकने का जो रहता है फ्रेंड, जो कि जो हमारे पास जो छर्रा लॉक करने का जो पत्ती रहता है फ्रेंड, उसमें दो पॉइंट रहते हैं, यानी कि एक तरफ वो बड़ा रहता है, एक तरफ वो छोटा रहता है। फ्रेंड जब हम उसका पॉइंट जब कहीं खोल लेते हैं मशीन को, जब अगर वो कहीं पॉइंट चेंज हम रख देते हैं, उसको सही डायरेक्शन में नहीं रखते, तब वो दिक्कत ज़्यादा आती है। फ्रेंड तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है जब भी आप मशीन खोलें कि जब उसका पॉइंट है वो किस साइड ज़्यादा दिखता है, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा पॉइंट रहने वाला उसी तरफ आपको उसको वापस से असेंबल करना है। उसके बाद फ्रेंड जो है कि आपको इस प्रकार सभी से जो आपने कंपोनेंट खोले उनको फिट करना, उसके बाद छर्रा जो हमारे पास जो बॉल है फ्रेंड उसको हम वापस उसी जगह पे जो है कि साफ्ट रख देना है। साफ्ट रखने के बाद में फ्रेंड जो है कि हमारा जो लॉक है उसको एकदम परफेक्ट लगाना है। फ्रेंड लॉक का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि लॉक की जो साइड निकली थी वन साइड यानी छोटा बड़ा जिस भी था फ्रेंड, उस साइड को ही आपको उसे लगाना है। फ्रेंड फ्रेंड ड्रिल मशीन को आप एकदम परफेक्टली अच्छे तरीके से फिक्स करें, जिसका जो नट जितने भी हमारे पास है फ्रेंड नट को आपको फुल टाइट करना है, क्योंकि फ्रेंड जो है कि काफ़ी पावरफुल मशीन होती है फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क का जो इनका रहता है फ्रेंड, इस वजह से फ्रेंड जो है कि इनमें काफ़ी वाइब्रेशन का भी वो रहता है फ्रेंड। तो आप इसमें सभी नटों को अच्छी तरीके से फुल टाइट करें। फ्रेंड जो है कि मैंने सभी नटों को अच्छी तरीके से फुल टाइट कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड हम इसे चला कर भी देखने वाले हैं कि फ्रेंड एकदम परफेक्टली चल रही है कि नहीं चल रही है। तो फिर इस प्रकार से जो है कि आपको एकदम परफेक्ट का लगा देना, उसके बाद फिर देख सकते हैं कि अब जो हमारा स्विच है वो नहीं अटक रहा है, यानी कि अभी एकदम परफेक्टली मैं रिवर्स रिवर्स यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड जा रहा है। फ्रेंड इसे हम चला कर देख सकते हैं फ्रेंड, जो कि हमारे दोनों पॉइंट पर काम कर रहा है। फ्रेंड अभी दोनों हैमरिंग भी कर रहा है, फ्रेंड साथ में घूम भी रहा है। फ्रेंड हैमरिंग का यह रहता है कि फ्रेंड जब ये हमारा जो रहता है कि ये ड्रिल के साथ में चलता है, यानी कि ये फास्ट में चलता है फ्रेंड, जिससे कि हमारे जो जगह को ये फोड़ कर लेके जाता है।
तो ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड वीडियो को समझ में ना आप कमेंट जरूर करना।